तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीडीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में लूप का यूज। हमने लास्ट क्लासेस में लूप के कंसेप्ट को पढ़ाया था, आज हम उसका एक यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट को करेंगे और उसी तरह के प्रोजेक्ट फिर हम आपको देंगे करने के। तो बेसिकली मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल में कई सारे शीट्स हैं और शीट्स पे डेटा है। मुझे इन डेटा को कलेक्ट करना है हमारे डेटा शीट्स के ऊपर। तो अगर मैं इसको मैनुअल करूंगा तो कैसे करूंगा, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर वापस हम शीट टू पे जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर इसके नीचे आके हम इसको पेस्ट करेंगे और इसी प्रोसीजर को हम कंटिन्यूअस थर्ड फोर्थ शीट को क्लिक कर रहे हैं। लेकिन मैं इस काम को वीवी प्रोग्रामिंग से करना चाहता हूं, इसके कई सारे फैक्ट है, देखिए कैसे करता हूं मैं। तो मैं यहां नितिन जी कर तो दिया मैंने, आपने सेलफोन से ज्वाइन किया है नितिन जी, तो मैं कैसे अप्रूव करूं, सेलफोन से रिकॉर्डिंग नहीं होती है। लैपटॉप से किया है आपने अमीर नितिन जी, नहीं नहीं लैपटॉप से करते थे यहाँ आपका नहीं, लैप। नहीं है सर, यहाँ लग रहा है लैपटॉप से आपने स्टोर से किया है सर, वो उसको विंडोज फोन का ऐप मान रहा है, ऐप स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड किया। आपको क्रोम पे जाके वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। नहीं वो डाउनलोड है जूम ही, तो आप जूम की तो बात कर रहे हो ना, मेरे पास तो नहीं आ रहा एक्सेस देने का परमिशन, मैं मुझे मोबाइल फोन शो कर रहा है, तो रीज्वाइन कीजिए। सही, तो यहाँ पे मैं सॉरी सर मीट हो गया, तो मुझे इसको कॉपी करना है। तो विजुअल बेसिक पे आते हैं, यहां एक नए मॉड्यूल्स को इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट आरर। अब मैं यहां पे हमारा है क्या करना है कि मुझे शीट्स में पहले शीट्स के ऊपर जाना है, शीट वन डॉट सिलेक्ट, और फिर मैं यहां पे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, वापस मुझे शीट डेटा पे आना है डॉट सेलेक्ट, फिर रेंज A65000 क्योंकि एक के नीचे करना है डॉट एंड एक्सएलएस ऑफ डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेस। तो ये तो सिर्फ शीट वन मतलब कि पहले नंबर शीट को करेगा, आप मुझे दूसरे नंबर का शीट को करना है तो सेम कोड यूज होगा, बस यहां शीट को टू हो जाएगा, मतलब विदाउट लूप की बात कर। लेकिन हम लूप इसका यूज करेंगे तो हमें ऐसे 3, 4, 5 के लिए कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं वहीं पे करूंगा कि 4 i = चले 1, 2 कितना 5, और फिर यहां पे हम नेक्स्ट i कर देते हैं, और जहां पे हमने 1 लिया है इसके जगह पे i कर देंगे।
वो सारे डेटा को कॉपी करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक बार रन करता हूं, आपने देखा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि पांच तक ही चलेगा क्योंकि हमने यहां पे पांच दिया है, तो इसको रोकने के लिए हम दे देंगे सीड्स डॉट काउंट माइनस वन। अब यहां पे माइनस वन हमने क्यों दिया? माइनस वन देने का पर्पज था क्योंकि सीट तो सिक्स है लेकिन सबसे लास्ट में हमारा डेटा है जिसपे कॉपी पेस्ट होना है, तो हमें छह बार नहीं चलाना, पांच बार ही चलाना है डेटा को। हमारा डेटा सबसे लास्ट में है, डेटा शीट पे हमने लूप को, डेटा शीट को लूप से बाहर रखना है। इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि सीट की काउंट माइनस वन, क्योंकि सीट डॉट काउंट में वो डेटा शीट को भी काउंट कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम इस डेटा में है कि हर डेटा का हेडिंग कॉपी हो रहा है, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, तो हम एक हेडिंग ऐसे ही ऊपर रख देते हैं, मुझे इसकी हेडिंग नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं जब डेटा को हमने है तो मैं यहां से सिलेक्शन कर लूं विदाउट हेडिंग, सिलेक्शन मेथड जो मैंने सिखाया था उसकी मदद से, या फिर हम क्या करेंगे कि जब हम कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, जब डेटा शीट पे जब हम पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करते समय जो हमारा आईडी दिख रहा नहीं हमारे, मतलब कि जो हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, हेडिंग की एक्टिव सेल है। अगर मैं एक्टिव सेल को एंटायर रो डिलीट कर दू तो मेरा हेडिंग डिलीट हो जाएगा। तो सेम काम हम यहां पे करेंगे, यहां नीचे पेस्ट स्पेशल करने के बाद हम बोलेंगे कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा यहां से, तो आप देखेंगे कि वो हर हेडिंग को डिलीट कर दिया। तो एक कोड किसको समझ में नहीं आया हमें बता सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो सर, इसके लिए जो शीट है, जिस शीट में डेटा कॉपी हो रहा है, वो शीट आइदर स्टार्ट में होना चाहिए, आइदर एंड में होना चाहिए। एंड में होना चाहिए, इस पे भी मैं अभी आता हूँ। इसके अलावा कोई और डाउट इस पे? अब जैसे इनका सवाल था, अब यहाँ पे एक फाउंडेशन ये है कि आपकी जो शीट है डेटा शीट वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। अगर डेटा शीट अगर बीच में, जैसे मान लीजिए मैंने उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ हुआ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको इस हटाने के लिए हम कोड को चलिए मॉडिफाई करते हैं। तो हमने सीट माइनस वन लिख दिया और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ शीट डॉट नेम इज इक्वल टू not equal to data, then, और फिर इसको एंड कर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सीट कहाँ, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीट का नाम डेटा सेम एग्जैक्ट जैसा है यहाँ पर है, ऐसा ही आपके डेटा शीट में होना चाहिए। थोड़ा भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का चक्कर हुआ वो फिर मर्ज मैच नहीं करेगा, इसको भी कॉपी पेस्ट मार। क्लियर है? ओके सर, आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसको और भी आगे मॉडिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा इसमें एडिशन करना है। अभी देखिए मैंने पूरा कोड आपको समझाया, अब इस कोड में एक छोटा सा दिक्कत यहां पे आ रहा है। इसमें जो हमने कोड, एक बार कोड देख लीजिए,
एक बार कोड को समझ लीजिए। हमने बोला कि हमारा काम क्या था, हमारा काम यह था कि जितने भी शीट्स की डेटा है वो डेटा शीट में एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 4i12sheet.com, फिर हमने कंडीशन दिया कि जिससे हम डेटा कॉपी करने जा रहे हैं क्या उस शीट का नाम डेटा तो नहीं है, क्योंकि डेटा शीट पे हमने पेस्ट करना है। तो हम डेटा शीट की डेटा कॉपी करके कहीं पेस्ट करके डबल न कर दे। तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि इफ शीट्स आई डॉट नेम नॉट इक्वल टू डेटा देन उस सीट को एक्टिव करो, उसका कंट्रोल ए करके डेटा को कॉपी करो, फिर डेटा शीट पे आओ, सबसे नीचे जाओ और फिर पेस्ट करो, फिर जो पहला कॉलम जो कि हेडिंग पेस्ट हुआ है उसको डिलीट करो। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी डाउट यहां पर और भी है कि हमें क्या करना है कि जो यहां पे अब किस सीट, यहाँ पे तो चलो ठीक अभी हो गया, अब प्रॉब्लम है कि किस सीट से डेटा कॉपी हुआ है वो पता लगाना मुश्किल है। तो इस कोड में आपको मॉडिफिकेशन क्या करना है, देखिए सीट्स ने, अब इस कोड में मॉडिफिकेशन करना है आपको कि यहाँ पे सीट का नेम आ जाए, मतलब कि यहाँ पे सीट वन आ जाए, जो भी सीट हो, और सीट वन का जहां तक डेटा है वहां पे शीट वन लिखा हुआ, फिर नीचे आपका शीट टू का डेटा है, और जहां तक शीट टू है वहां का डेटा, ताकि इसको आगे सेग्रीगेट करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। आप एक आप कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक फोल्डर में अगर बहुत सारे फाइल्स रखे हैं उसको कैसे किया। तो ये आपका होमवर्क है कि आपका शीट जल्दी शीट से कॉपी कर रहे हैं उस शीट का नाम यहां पे लिखना, डेटा तो आप मैनुअली बना ही लोगे, बस कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है सर, ठीक है, हेलो सर, वो पर्टिकुलर मुझे डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करके ले कॉपी करके लेना है, तो हम लोगों ने एंटायर शीट का जितना भी डेटा होता है वो ले लिया, पर्टिकुलर शीट में से एक फिल्टर है, जैसे आपका जो शीट वो हम फिल्टर करेंगे उस पे भी आगे आएंगे, पहले सिंपल वो कर ले। ठीक है, ओके 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 सर, यप यप यप, चलिए तो करके भेजिए, फिर कल की क्लास में हम आगे की चीज बताएंगे आपको। ओके बाय, गुड नाइट।